आज की कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिन्होंने पत्नी धर्म निभाने से जरूरी राष्ट्र धर्म समझा और अपने ही गद्दार पति की छाती में तलवार घोंप दी। वीरमती जो केवल नाम से नहीं अपने कर्म से भी वीर थी, जिन्होंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। देवगिरी के राजा रामदेव ने उनका पालन पोषण किया और वो बड़ी हुई तो उनका विवाह कृष्णराव के साथ कराया गया। कृष्णराव वीर तो था ही, साथ ही वीरमती से प्रेम भी बहुत करता था, लेकिन कुछ लोभ और कपट ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। लालच में आकर वो खिलजी से जाकर मिल गया और वो खिलजी का जासूस बन गया। वो सेना में रहकर सेना के खिलाफ कार्य करने लगा। एक दिन वीरमती को शक हुआ तो उसने उसका पीछा किया, तो उसने जाना कि कृष्णराव खिलजी के खिलाफ नहीं खिलजी के साथ काम कर रहा है और अपने राज्य के सारे भेद खोल रहा है। वीरमती बहुत क्रोधित हुई और उस राष्ट्रभक्त स्त्री ने अपने देशद्रोही पति की छाती में तलवार घोंप दी और कहा, आप मेरे पति हैं, लेकिन आप एक राष्ट्रद्रोही भी हैं, इसीलिए आपको मारकर मैं अपना राष्ट्र धर्म